दोस्तों, इस मशीन से आप घर बैठे 50 से 60 हजार रुपए हर महीने कमा सकते हैं, क्योंकि ये मशीन ऐसा प्रोडक्ट तैयार करता है जिसकी डिमांड तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इंसान धरती पर रहेंगे। अभी गर्मी का मौसम आ चुका है तो इस मशीन से आप पानी के बॉटल को पैक करके बेच सकते हैं, जूस के बॉटल को पैक करके बेच सकते हैं और इस गर्मी में घर बैठे बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे इस मशीन को चलाया जाता है, क्या इस मशीन का दाम है और साथ ही एक बिजनेस प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस मशीन को टेबल टॉप लिक्विड फिलिंग मशीन कहा जाता है, क्योंकि ये छोटी सी मशीन आप घर में किसी भी टेबल पर रखकर या फिर कहीं पर भी लगाकर काम कर सकते हैं। इस मशीन में दो नोजल दिया हुआ होता है जिसमें से मटेरियल गिरता है, जैसे पानी, जूस, ऑयल, जो भी आपको बॉटल में पैक करना हो। एक बात और, इसमें केवल आप लिक्विड आइटम को पैक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया पानी, जूस, गुलाब जल, ऑयल इत्यादि। इसमें दानेदार या मोटा चीज ना हो, जैसे कोलगेट। अब हम इस मशीन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसे जानते हैं। ये जो दो स्विच दिया हुआ है इससे आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जो वायर कनेक्ट हुआ है वो फुट स्विच का है, ये जो फुट स्विच दिया है, और ये मेन पावर सप्लाई बटन है जिससे मशीन ऑन या ऑफ होता है। हिंदी भाषा में इसे चालू बंद करने का बटन कह सकते हैं। अब जो मेन सेटिंग है उसे मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब, थोड़ा सा कैमरा पास लाइए। देखिए, सबसे ऊपर है फिलिंग टाइम। फिलिंग टाइम आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, ये सेट बटन पर क्लिक करके। देखिए, ब्लिंक हो रहा है, और इसको राइट शिफ्ट करना है तो इससे, और प्लस माइनस करना है तो इस बटन पर प्रेस करके आप कर सकते हैं। अब आप इतने पर ही रखना चाहते हैं तो एग्जिस्ट कर दीजिए। सेम टू सेम वेटिंग टाइम का भी बटन ऐसे ही काम करता है फिलिंग टाइम की तरह। वेटिंग टाइम बटन का कब काम आता है, जब आप फुट स्विच का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे यहाँ 5 सेकंड पर मशीन सेट है, तो एक बोतल भरने के बाद ये फिर से 5 सेकंड बाद फिलिंग पाइप में से मटेरियल गिरने लगेगा। आप बोतल भरो या ना भरो, तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है। वैसे बेस्ट पड़ता है फुट स्विच, जैसा आप टाइम रखना चाहते हैं वो आप इन बटन से सेट कर सकते हैं। ये काउंटर है, काउंटर का मतलब है कि आपने मशीन चालू करने के बाद कितने बोतल को भरा, जैसे मशीन की कितनी साइकिल हुई। एक बार हुई तो 2 बोतल भरें, 2 बार हुआ तो 4 बोतल भरें, समझ रहे हो ना आप। ये काम है काउंटर का, जो काउंट करता है। ये रीसेट बटन है, इसे दबाने से काउंटर रीसेट हो जाएगा। सेटिंग बटन का काम आता है वॉल्यूम सेट करने के लिए, इसे मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। मैनुअल बटन सेम फुट स्विच का काम करता है, चाहे फुट स्विच को दबाइए या मैनुअल बटन पर प्रेस करिए, और जब ऑटो पर क्लिक कर देंगे तो ये फुट स्विच का काम खत्म हो जाएगा, जैसा मैंने पहले वेटिंग टाइम में समझाया था। अब चलिए प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये जो दोनों बॉटल हैं, इसमें हम पानी भरेंगे। पानी भरने के लिए आपको सेटिंग बटन पर क्लिक करना है, ताकि पहली बार में आपको पता चल सके कि कितना टाइम में ये बॉटल भरेगा। तो सिंपल सा सेटिंग बटन पर प्रेस कर देना है। तो जहां तक आप पानी भरना चाहते हैं इस बॉटल में, जैसे वहां तक पानी भर जाता है तो फिर से सेटिंग बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये जो टाइम है बॉटल को भरने का, वो अब ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं 7.41 सेकंड पर सेट हो चुका है। ये इसलिए ऑटोमेटिक हुआ क्योंकि हमने सेटिंग बटन पर क्लिक किया था। अब अगली बार हमें ऐसा नहीं करना है, इस बार केवल आपको फुट स्विच पर दबाना है, और ये देखिए बॉटल भरना शुरू हो चुका है। अब ये उतने पर ही रुकेगा जितने पर हमने पिछला वाला बॉटल भरा था, मतलब कि 7.41 सेकंड पर मशीन स्टॉप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मशीन 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हुआ है, कितना जबरदस्त एक्यूरेसी है इस मशीन का। आइए इसे एक बार हम प्लास्टिक बॉटल में भरकर देखते हैं। जैसे हमने पिछला बॉटल का टाइम पता करने के लिए सेटिंग बटन पर क्लिक किया था, सेम वैसा ही हमें इस बार भी करना है, लेकिन उसके पहले हम इसे सही तरह से सेट कर देते हैं, ताकि जो मटेरियल है वो सीधा बॉटल में जाकर गिरे। तो चलिए हम प्रेस कर देते हैं सेटिंग बटन पर। इस मशीन से आप बहुत ही आसानी से बॉटल को किसी भी मटेरियल से भरकर दुकानों पर बेच सकते हैं। इसी तरह से मैंगो जूस भी बॉटल में पैक करके आप मार्केट में बेच सकते हो। बहुत ही शानदार मशीन है। इसकी जो प्राइस है वो 15,000 रुपए से शुरू होता है, और जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ती जाएगी। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये तो 15,000 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मशीन की लिंक और डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की। दोस्तों, हमारे गांव का प्रकाश हर दिन 3,000 रुपए कमा रहा है, यानी कि महीने का 90,000 रुपए। ज्यादा वो मिनरल वाटर बेचता है। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो गाड़ी पर गांव में घूम घूम कर पानी का बॉटल बेचते हैं,
उन लोगों से यह 20 रुपए में एक डिब्बा वाटर बॉटल का खरीदता है। इस 20 रुपए वाले डिब्बे में 20 लीटर पानी प्रकाश को मिलता है और अब उसे चाहिए खाली डिब्बा, तो वो मार्केट से 1 लीटर वाला खाली डिब्बा खरीद लेता है जो उसे 3 रुपए 30 पैसे पर पीस के हिसाब से मिल जाता है। सबसे पहले मशीन के द्वारा प्रकाश बॉटल में पानी भरता है और उसके बाद इस बॉटल कैपिंग मशीन से बॉटल के ढक्कन को सील कर देता है और लास्ट में फ्रिज में रख देता है, जिससे कि वो एक 20 रुपए वाले बॉटल से 20 बॉटल तैयार करता है, क्योंकि हर एक बॉटल में 1 लीटर पानी होता ही है। अब हर एक बॉटल जहां लोगों को दुकानों पर 20 रुपए का मिलता है, वहीं प्रकाश 15 रुपए पर डिब्बा बेचता है, जिससे उसकी टोटल कमाई 300 रुपए हो जाता है। और इसमें हम इन्वेस्टमेंट देखें तो 20% से भी कम है और मुनाफे की बात करें तो 80% से भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रकाश कितना बढ़िया पैसा अपने गाँव से कमा रहा है। हालांकि वो स्वाद मिनरल वाटर का इस बॉटल में देखने को नहीं मिलेगा, इसे आप नंबर 2 का धंधा भी कह सकते हैं। वैसे इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट होंगे इस मशीन को लेकर। तो फिर मिलेंगे ऐसे एक न्यू बिजनेस आइडियाज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।